हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे और अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है 10 o'clock। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज बेसन का चीला। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया, ये सारी चीज़ों को मैंने बारीक काट के डाल दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें डालूंगी अजवाइन थोड़ी सी, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है। अब डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी डालूंगी हींग, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सा धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें डालूंगी नमक, और यहाँ मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है, ये नॉन स्टिक तवा है। बेसन के चीले लोहे के तवे पे थोड़े से चिपकते हैं, काफी मुश्किल से वो उठता है पहला चीला, उसके बाद वापस से फिर अच्छे से बनने लग जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पे बना रही हूँ जिससे जल्दी से हो जाएगा। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इसका एक घोल तैयार कर लूंगी। तो बहुत ज्यादा गाढ़ा और बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, मीडियम मीडियम रखूंगी घोल को। और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें ऑयल बहुत कम यूज होता है और अच्छा भी रहता है, मॉर्निंग में अच्छे से पेट भी भर जाता है इसे खा के। तो मैं कम बनाती हूँ सुबह का नाश्ता, वीकेंड चल रहा है इसलिए मैं बना रही हूँ, वीकेंड में एक आध बार बना लेती हूँ। और यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी तवे पे, तो तवा गरम हो गया है। अब डाल दूंगी चीला और बस 1 चम्मच की हेल्प से फैला दूंगी पतला पतला। और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डाल दूंगी साइड साइड से, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ इसलिए। और ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है, अब दूसरे साइड से भी मैं सेक लूंगी थोड़ा सा ऑयल डाल के। पहले या दूसरे चीले में ही ऑयल डालूंगी, फिर नहीं डालूंगी, जिससे तवा अच्छे से चिकना हो जाएगा। और चीला बन गया है, अब मैं गरम गरम अपने हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ अभी। तो यहाँ मैंने सॉस रख दी है, थोड़ी सी चटनी नहीं बनाई थी इसलिए सॉस रख दी है। और ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं दूसरा चीला भी डाल दूंगी। और काफी टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लगानी है नेल पेंट, ये जो पीछे रखी हुई है, क्योंकि हाथों की रिमूव हो गई है मेरी, देखी मैंने शादी पे लगाई थी ना, तो ये थोड़ी थोड़ी अपने आप से रिमूव हो गई है, और थोड़ी सी जो बची है उसे मैं इस रिमूवर से अभी रिमूव कर दूंगी। और बाहर का वेदर है बारिश वाला, तो मॉर्निंग में मैंने बनाए थे बेसन के चीले, क्योंकि इस मौसम में बेसन के चीले या बेसन की पकौड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। तो मैंने सोचा पकौड़ी तो बहुत ऑयली हो जाएगी सुबह सुबह से, तो मैंने चीले बनाए थे। तो चीले वगैरह मैंने खा लिए हैं हम दोनों ने, ये यहाँ बैठे हुए हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सत्येंद्र जी। और अभी मुझे बनाना है लंच, तो लंच बनाऊंगी थोड़ी देर से। अब ऐसे मौसम में कौन लंच बनाए, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है लंच बनाने का, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं, और आज सैटरडे है। हाँ है ना, आज सैटरडे है, भूल जाती हूँ मैं तो। और अभी लगानी है ये नेल पेंट, तो पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना है शाम को,
तो उसके लिए मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, जिससे मेरे हाथ अच्छे अच्छे दिखेंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये ब्लू और गोल्डन कलर का सेट लगाया है अपने हाथों पे, और ये मैंने एक फिंगर पे लगाया है गोल्डन, बाकियों के पे लगाया है ब्लू। तो कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे। और ये मेरे थोड़े से टैन हो रहे हैं फिंगर, इन्हें मैं अब गर्मियों में साफ करूंगी, हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएगा ये ब्लैक ब्लैक। क्योंकि सर्दियों में ना बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत कम करती हूँ मैं अपना स्किन केयर वगैरह ये सब। गर्मियों में सही टाइम मिलता है, टाइम भी बहुत ज्यादा मिलता है और दिन भी बड़े होते हैं, तो हो जाता है। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इनका चश्मा खो गया था बसंत पंचमी पे, मैंने आपको बताया था ये प्रोग्राम में गए थे मंदिर पे, इन्होंने से साइड से रख लिया था अपने चश्मे को, तो वहां से कोई उठा के ले गया। मतलब कोई पूजा पाठ के लिए आता है मंदिर में भक्ति के लिए, और कोई किस काम के लिए आता है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इनका ये कल ही आया है चश्मा, इनकी फ्रेम वगैरह सब कुछ नई है, ग्लासेस वगैरह सब नए हैं, तो इनका कल आया है, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चल पाता, प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में। और जो चांदनी चौक से मैं कुर्तियां लेके आई थी, उन्हें मुझे अभी फिटिंग के लिए डालना है, क्योंकि मैंने उनमें से दो तीन कुर्तियां रख ली थी अपने लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर अभी वापस से कौन जाएगा चांदनी चौक, तो मैंने अपने लिए बचा ली थी। फेस्टिवल आने वाले हैं और अभी पास में ही शिवरात्रि आ रही है, तो सोच रही हूँ कि एक कुर्ती पहन लूंगी। तो अभी तो बाहर बारिश हो रही है, अभी तो नहीं जाऊंगी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं शाम के टाइम जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ में। और गाइज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं रिप्लाई भी जरूर करती हूँ आपके कमेंट का। क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ एक एनर्जी जरूर मिलती है, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक लाइक कर देते हैं मेरे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है आज तक, उनके लिए दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मैं पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझे पूरा फुल सपोर्ट करते हैं और एग्री करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे नए वीडियो की। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में लंच बनाने के लिए, तो लंच में बना रही हूँ सिर्फ दाल चावल। यहाँ मैं तुअर की दाल बना रही हूँ, पीली वाली जो दाल होती है, तो उसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी और इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी में वॉश कर लूंगी। और एक बार आरओ के पानी से वॉश करूंगी और बस इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी कुकर में डाल के। और इसमें 1 गिलास के समथिंग पानी डाल दूंगी और नमक और हल्दी डाल के इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी पहले।
तो इसमें 2 सीटी ले लूंगी कुकर में। और यहाँ मैं दाल के लिए काट रही हूँ टमाटर, मिर्ची और अदरक। बस आज प्याज लहसुन नहीं डालूंगी, तो यहाँ टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची काट रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने चावल के लिए पानी रख दिया है, मैं बॉईल करके चावल बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अंदाजे से पानी रख दिया है, मैं चावल का डबल पानी रख देती हूँ क्योंकि पानी बाद में निकल जाता है। और यहाँ अदरक को मैं कद्दूकस कर रही हूँ दाल के लिए। और चावल के पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि नमक डाल के चावल अच्छे लगते हैं, नहीं तो फीके फीके लगते हैं। और यहाँ मैं चावल निकाल लूंगी एक बाउल में। और चावल को भी अच्छे से 2 से 3 बार मैंने पानी में वॉश कर लिया है। अब चावल को डाल दूंगी पानी में, पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। और बाहर बारिश हो रही है और सर्दी का मौसम वापस से आ गया है, तो स्वेटर मैंने फिर से निकाल लिए, सारे मैंने वॉश करके रख दिए थे। और कुकर में भी सीटी आ गई है, तो मैं गैस को भी ऑफ कर दूंगी अभी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं दाल चावल लंच में, और रोटी नहीं बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है और बाहर का वेदर जो है बारिश वाला है, तो सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ। और यहाँ चावल बन रहे हैं, इसमें दाल बन गई है, दाल में 2 सीटी आ गई हैं। और ये मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को कद्दूकस कर लिया है, इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूंगी आज, सिंपल दाल बनाऊंगी मैं। तो करी पत्ते भी मैं बाहर से तोड़ लेती हूँ, करी पत्ता भी डालूंगी दाल में। और बाहर का आपको वेदर दिखाती हूँ, देखिए बाहर का वेदर कितना, बारिश हो रही है बाहर। तो करी पत्ता मैंने तोड़ लिया है बाहर से, इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी। और ये गेट लगा देती हूँ, बाहर से आवाज आती है बहुत ज्यादा। तो ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तोड़ने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मैंने एक कढ़ाई रख ली है और उसमें डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल दाल के तड़के के लिए। और यहाँ देखिए चावल भी बन के तैयार हैं, मैंने पानी सारा निकाल दिया है और प्लेट को ढक दिया है जिससे और अच्छे से पक जाएंगे चावल। और यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, और डाले हैं करी पत्ते,
जो मैंने अभी बाहर अपनी बालकनी से तोड़े हैं, और अदरक मिर्ची और टमाटर भी मैंने डाल दिए। साथ ही साथ में थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। वो टमाटर गल गए हैं, यहाँ डाल रही हूँ मैं रेगुलर जो हमारे किचन के मसाले होते हैं वो, धनिया, हल्दी और मिर्ची। सॉरी, हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी, हल्दी नहीं डाल दी है यहाँ पे, धनिया और मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और जो दाल है उसे भी मैं डाल दूंगी। और अच्छे से मिला दूंगी, और उसी कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भी डाल दिया है। और दाल में यहाँ अच्छे से बॉईल आ गया है। अभी अब डालूंगी इसमें गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, और मैंने यहाँ घी भी डाल दिया है एक चम्मच। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, और दाल बनके तैयार है। अब ये हमारा लंच बन गया है, मैं यहाँ पे लंच लगा लेती हूँ अपने लिए। हस्बैंड जी अभी नहीं खा रहे हैं, वो थोड़ी देर में खाएंगे, तो पहले मैं खा लेती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ लंच करने के बाद से, और अभी इवनिंग के बज रहे हैं 9:15। और इस वीडियो को मुझे यहीं एंड करना था, और आपको एक छोटी सी अपडेट भी देनी थी कि लंच करते करते मेरे पास मेरे घर से फ़ोन आया था मेरी मम्मी का, मेरे मायके से, और उन्होंने जो मुझे न्यूज़ दी है उससे सुनकर तो मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरी मामी है सेकेंड नंबर की, उनकी आज डेथ हो गई है अचानक से। अर्ली मॉर्निंग उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी डेथ हो गई, तो मेरा मूड ऑफ हो गया था और मैंने वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन ये वीडियो मॉर्निंग से मैं बना रही हूँ, और इसे तो मुझे पब्लिश करना ही था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे एंड कर देती हूँ अभी, और इसके बाद कब वीडियो आएगा मुझे नहीं पता, और कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। और लेकिन मुझे इतना बुरा लगा है आज, क्योंकि जो मेरी मामी हैं उनकी कोई एज नहीं थी अभी, लेकिन जो अचानक से हो जाता है इंसान के साथ में उसका कुछ पता नहीं रहता है, तो बस आज मेरा मूड ऐसे ही ऑफ है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और बस बाय, टेक केयर। इतनी सी मुझे आपको अपडेट देनी थी, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कब आएगा ये नहीं पता। चलिए बाय।